हेलो एंड वेलकम टू सुबीर फगड़िया चैनल। दोस्तों, फ्लिपकार्ट अमेजन वगैरह सब स्टार्ट है, लेकिन यहाँ पे फ्लिपकार्ट अमेजन से रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन है। रेड जोन में डिलीवरी कब होगी, हम ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में फिर भी ऑर्डर नहीं कर पा रहे हैं, अभी फोन लेना है तो कौन सा लें, और इंतजार करें तो किस फोन का इंतजार करें, कैश ऑन डिलीवरी कब देखने को मिलेगी, रेडमी 9 प्रो मैक्स और रियलमी नार्जो 10 की सेल कब होगी, फोन का प्राइस कब कम होगा, फ्लिपकार्ट और अमेजन की अपकमिंग सेल कब आएगी। तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। स्टार्ट करूँ उससे पहले आप भी अपना हाथ उठाओ और उंगली लाइक के बटन पे दे मारो, तो कर दीजिए लाइक और हो सके तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। तो दोस्तों, रेड जोन में डिलीवरी कब मिलेगी, तो अगर आपने पहले ऑर्डर किया है, अब आप रेड जोन में आते हो, तो डिलीवरी आपको मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। यहाँ पे कस्टमर केयर से बात करने पर पता चलता है कि रेड जोन में तब भी वो बोल रहे हैं कि ऑर्डर आप तक पहुंचाया जाएगा, तो हो भी सकता है आप तक पहुंच जाए ना भी पहुंचे। बाकी कुछ जगह पर रेड जोन में भी ऑर्डर करने का आप ऑप्शन मिल भी रहा है, कहीं पे जो ग्रीन जोन ऑरेंज जोन में आपको ऑर्डर करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो ये वीडियो जरूर से देखिएगा। इसमें मैंने आपको डिटेल से बताया कि आपको ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहा है। वीडियो एंड स्क्रीन मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है, जरूर से देखिएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा बता देता हूँ कि जो फ्लिपकार्ट अमेजन वगैरह का जो सिस्टम है वो अभी पूरी तरह से अपडेट नहीं हुआ, जो पिन कोड वगैरह डाले जाते हैं वो अभी पूरी तरह से डाले नहीं गए, इसलिए ये दिखा रहा है कि कुछ ग्रीन जोन में तो भी ऑर्डर करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सब कुछ सही हो जाएगा। आपको अभी कोई फोन ऑर्डर करना है, आप ऑर्डर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका जो पिन कोड है उसके आसपास वाला पिन कोड लगा के देखिए, आपको ऑर्डर करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आप वहां का पिन कोड डाल दीजिए, कोई एड्रेस डाल दीजिए, जब डिलीवरी बॉय आएगा कॉल करेगा तो आप वहां जाकर जो भी आपका प्रोडक्ट है वो ला सकते हैं। बस आप इतना कर सकते हैं, बाकी थोड़ा इंतजार कीजिए कि आपको भी ऑप्शन मिल जाएगा। और रही बात कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन की, तो वो शायद से कुछ जगह पे मिल रहा है, अदरवाइज कैश ऑन डिलीवरी अभी फिलहाल बंद है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि आपको फोन अभी लेना है तो अभी कौन सा आपको फोन लिया जाए, क्या फोन का प्राइस कम हुआ है? तो जी हाँ, कुछ फोन है जिनका प्राइस कम हो गया है, इस हिसाब से लगता है कि जो आगे लॉन्च होंगे और जो पहले के फोन है उनका भी धीरे धीरे प्राइस कम होगा। यहाँ पे आपको बता दूं, सैमसंग गैलेक्सी M21 जिसका प्राइस 14,200 रुपए था GST के बाद में, अब उसका प्राइस 12,700 रुपए के करीब हो गया, जो लॉन्च हुआ था 12,999 रुपए में, लेकिन अब हो गया 12,700 रुपए के आसपास। तो ये फोन काफी अच्छा है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है आपको, बड़ी बैटरी मिल रही है, कैमरे भी अच्छे हैं, सब कुछ आपको इसमें बेटर मिल जाता है। तो मैं कहूंगा अगर 12,700 रुपए करीब आपको फोन मिल जाता है तो आप जरूर से इसको ले सकते हैं। और सैमसंग गैलेक्सी A50s जो काफी अच्छा फोन है, उसका प्राइस काफी कम हो गया है, ये भी आप जरूर से ट्राई कर सकते हैं, सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको इसमें मिल जाती है। और IQ3 5G फोन जिसका प्राइस पहले 38,990 रुपए था, अब इसका प्राइस हो गया 34,990 रुपए, 4,000 रुपए इसमें कम कर दिए गए हैं, तो ये भी एक 5G फोन है, आप जरूर से इसको देख सकते हैं। और दोस्तों, इन सभी फोन के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए, वहां से आप चेक कर सकते हैं। और इनके अलावा जो बेटर फोन, अगर अंडर 20,000 में पोको X2 सबसे बेटर है, आप आंखें बंद करके भी ऑर्डर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रियलमी X2 सुपर एमोलेड चाहिए डिस्प्ले तो रियलमी X2 बाय कर सकते हैं। सैमसंग गैलेक्सी M30s भी अच्छा फोन है 15,000 की प्राइस में, और Redmi Note 8 और Redmi Note 8 Pro आज के टाइम में भी जबरदस्त फोन है, उनको भी आप जरूर से बाय कर सकते हैं। इनके अलावा Realme 6 काफी अच्छा फोन है, जिसमें 90Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, गेमिंग वगैरह भी आप कर पाओगे। Redmi Note 9 Pro भी अच्छा है, दोनों में से आपके हिसाब से कौन सा भी बाय कर सकते हैं। यहाँ पे गेमिंग दोनों ही फोन में जबरदस्त देखने मिलती है। और दोस्तों, Redmi Note 9 Pro Max और Realme Narzo 10 की सेल आपको मई के एंड में देखने को मिल जाएगी, आप इनका भी इंतजार कर सकते हैं। रियलमी नार्जो 10 जो 11,000 तक की प्राइस में आपको देखने मिलेगा, तो मैं कहूंगा कि आप कुछ पैसे और जोड़ के आप सैमसंग गैलेक्सी M21 लें, तो वो सब कुछ उसमें चीजें ज्यादा बेटर देखने को मिलती है, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले भी है, बाकी कुछ भी उसमें ज्यादा बेटर है, तो उसकी तरफ आप जाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। और दोस्तों, अब बात आती है फ्लिपकार्ट और अमेजन की अपकमिंग सेल कब देखने मिलेगी, तो ये आपको मई के एंड में जरूर से देखने मिलेगी। फ्लिपकार्ट अमेजन दोनों पे ही मई के एंड में सेल देखने मिलेगी, और जो फोन वगैरह है उनपे डिस्काउंट मिलेगा, और किसी बैंक वगैरह का ऑफर भी आपको देखने को मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट अमेजन को पता है कि जिनको जरूरत थी उन्होंने तो फोन या जो चीजें बाय करनी थी कर ली है, अब सिर्फ लोग डिस्काउंट का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए डिस्काउंट जरूर से मिलेगा, सेल आपको देखने को मिलेगी। तो फिलहाल दोस्तों, बस इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो कर दीजिए एक लाइक, और जी करे तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर आते हैं।